बच्चों, आज के इस वीडियो में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं बाल महाभारत कथा फिर से प्रारंभ कर रही हूँ। इससे पहले पांडवों की रक्षा तक का पाठ मैंने आपको पढ़ा दिया है। पांडव एक चक्रा नगरी में एक ब्राह्मण के यहाँ रहते थे और एक दिन ब्राह्मण को रोते देखकर कुंती ने पूछा कि क्या कारण है। वो बताना नहीं चाहता, फिर भी बताता है कि बकासुर नाम का एक राक्षस है जो यहाँ रहता है और आए दिन एक एक व्यक्ति को, वो नियम से इस गांव के एक एक व्यक्ति को वहाँ जाना पड़ता है जिसे वो खा जाता है। आज ब्राह्मण के परिवार की बारी थी तो उसने कहा आज मेरे परिवार की बारी है, इसीलिए मैं दुखी हूँ। अंत में कुंती ने उसे वचन दिया कि मैं तुम्हारी मदद करूंगी और फिर वो भीम को भेजती हैं और फिर भीम और बकासुर का युद्ध होता है। उसमें भीम ने बकासुर को मार दिया और उसे घसीटते हुए एक चक्रा नगरी के द्वार तक ले आता है। तो ये कथा पांडवों की रक्षा की हो गई। उसके बाद की शुरू हो गई द्रौपदी स्वयंवर। अब वहां से कथा शुरू हुई जब वो वहां से ब्राह्मण जीवन बिताते हुए पांचाल नरेश द्रौपदी स्वयंवर की तैयारियां हो रही थी और वो पहुंचते हैं द्रुपद के देश में। तब वह, मैं अब शुरू करती हूँ द्रौपदी स्वयंवर। जिस समय पांडव एक चक्रा नगरी में ब्राह्मणों के वेश में जीवन बिता रहे थे, उन्हीं दिनों पांचाल नरेश की कन्या द्रौपदी के स्वयंवर की तैयारियां होने लगी। इधर एक चक्रा नगरी में पांडव रह रहे थे, उधर द्रौपदी की स्वयंवर की तैयारियां शुरू हुई थी। एक चक्रा नगरी में ब्राह्मणों के झुंड पांचाल देश के लिए रवाना हुए, पांडव भी उनके साथ हो लिए। अब जब लोगों ने सुना कि पांचाल कन्या द्रौपदी का स्वयंवर है तो एक चक्रा नगरी से तमाम ब्राह्मण वहां जाने के लिए तैयार हुए, तो पांडव भी तैयार हो गए। पांडव भी सोचे कि हम लोग भी चलते हैं और वहां चल करके देखते हैं, तो वो भी चल पड़े। पांचों भाई माता कुंती के साथ किसी कुमार की झोपड़ी में आ टिके। पांचाल देश में भी पांडव ब्राह्मण वेश में ही धारण किए थे। पांचाल देश में भी जब वो आए तो ब्राह्मण के वेश में ही वहां पर थे और पांचाल देश में पांडव ब्राह्मण वेश धारण किए थे, इस कारण कोई उनको पहचान नहीं सका। स्वयंवर मंडप में एक बृहदाकार धनुष रखा था तो स्वयंवर के मंडप में वो भी पहुंच जाते हैं और एक बृहदाकार यानी बहुत बड़े आकार का बहुत बड़े आकार का बृहदाकार धनुष रखा हुआ था। जब वहां पहुंचते हैं देखते हैं स्वयंवर की तैयारियां हो गई हैं और वहां स्वयंवर मंडप बना है। एक बहुत बड़े आकार का एक धनुष रखा है जिसकी डोरी तारों की बनी हुई थी और जो डोर लगी हुई थी धनुष में वो तार से बनी हुई थी, यानी बहुत तेज तार से बनी हुई थी। ऊपर काफी ऊंचाई पर एक सोने की मछली टंगी थी, यानी नीचे की ओर धनुष रखी थी, धनुष तारों उसका जी उसकी जो डोरी थी वो तारों की बनी थी और ठीक उसके ऊपर एक एकदम ऊंचाई पर सोने की मछली टंगी हुई थी और नीचे के एक बड़े आकार के बर्तन में तेल रखा था जिसमें उसकी परछाई पड़ रही थी। तो उसके नीचे एक चमकदार यंत्र बड़े वेग से घूम रहा था। राजा द्रुपद ने घोषणा की थी कि जो राजकुमार पानी में प्रतिबिंब देख कर उस भारी धनुष से तीर चलाकर ऊपर टंगे हुए निशाने यानी मछली को गिरा देगा
उसी को द्रौपदी वरमाला पहनाएगी। अब एक गोल बड़े आकार के बर्तन पर एक चक्र सा चल रहा था, जिस पर उसकी परछाई चल पड़ रही थी मछली की, और बड़ा धनुष रखा था और निशाना लगाना था मछली को, और परछाई देखकर मछली की आंख में परछाई देख के निशाना लगाना था। जो ऐसा कर लेगा द्रौपदी उसी के गले में वरमाला डालेगी। अब कठिन लक्ष्य था, मुश्किल घड़ी थी कि सब कोई जो देखता उसकी हिम्मत छूट जाती कि वो कैसे इसको निशाना लगाएंगे। इस स्वयंवर के लिए दूर दूर से अनेक वीर आए हुए थे, तमाम वीर आए हुए थे। मंडप में सैकड़ों राजा इकट्ठा हुए थे, जिनमें धृतराष्ट्र के 100 बेटे अंग नरेश, कर्ण, श्री कृष्ण, शिशुपाल, जरासंध सब शामिल हुए थे। सारे लोग पहुंचे हुए थे वहां पर, कि सब लोग वहां पर पहुंच करके द्रौपदी स्वयंवर को देखने पहुंचे थे। भारी भीड़ शामिल थी, दर्शकों की भारी भीड़ थी। राजकुमार दृष्टद्युम्न घोड़े पर सवार होकर आगे आया, तो राजकुमार दृष्टद्युम्न जो थे आगे आए, उसके ठीक पीछे हाथी पर सवार होकर द्रौपदी आई, हाथ में फूलों का हार लिए हुए। राजकन्या हाथी से उतरी और सभा में पदार्पण किया, यानी स्वयंवर में बैठकर द्रौपदी वो दृश्य देखना चाहती थी कि कौन ऐसा वीर है जो ऊपर टंगी हुई सोने की मछली की आंख को नीचे की परछाई में देखकर वेद करके मार कर लक्ष्य करके गिरा देगा, वही उनका पति होगा, वरमाला डालेंगी। तो वो स्वयं वरमाला लेकर के वर मंडप में पधार दी। राजकुमार दृष्टद्युम्न अपनी बहन का हाथ पकड़कर उसे मंडप के बीच ले गए, तो बीचों बीच मंडप के राजकुमार दृष्टद्युम्न थे, वो द्रौपदी का हाथ पकड़े हुए मंडप के बीचों बीच ले आते हैं। इसके बाद एक एक करके राजकुमार उठते और धनुष की डोरी चढ़ाते, हारते अपमानित होकर लौट जाते। उसके बाद बारी बारी सभी लोगों ने प्रयास किया, एक एक करके उठे और उठ करके वे धनुष के प्रत्यंचा को खींचने की कोशिश की, लेकिन धनुष इतना भारी था, ऊपर से उसमें जो डोर थी वो तारों की थी, तो उसे खींचना किसी के वश के बाहर की चीज थी, वश में नहीं था, तो बहुत आसान नहीं था उसको चढ़ा पाना। सब कितने ही सुप्रसिद्ध वीरों को इस तरह मुंह की खानी पड़ी और अंततः सभी लोग निराश हताश होकर लौट जाते। शिशुपाल, जरासंध, शल्य और दुर्योधन जैसे पराक्रमी राजकुमार तक असफल हो गए, यानी बड़े बड़े वीर जो थे वो असफल हो गए। किसी के बस का नहीं था कि उस लक्ष्य को निशाना साधते और मछली की आंख भेद कर नीचे गिरा देते। जब कर्ण की बारी आई तो सभा में एक लहर दौड़ सी गई। सबने सोचा अंग नरेश जरूर सफल हो जाएंगे। कर्ण ने धनुष उठाकर खड़ा कर दिया और तान कर प्रत्यंचा भी चढ़ाने शुरू कर दी। डोरी चढ़ाने के बाद सभी अभी बाल भर ही कसर रह गई थी, इतने में धनुष का डंडा उसके हाथ से छूट गया और उछलकर उसके मुंह पर लगा। अपनी चोट सहलाता हुआ कर्ण अपनी जगह पर जा बैठा। अब सबको लगा कि जब सारे राजा हार गए हैं तो सभी लोग अपने अपने स्थान पर लौट गए थे, तो कर्ण उठते हैं। कर्ण जा करके उस बड़ी सी धनुष को उठाते हैं, उठा करके उसे उसकी डोरी को चढ़ाने की कोशिश करते हैं, और चढ़ाने खींच करके जैसे ही चढ़ाकर बांधने वाले थे कि अचानक वो डंडा छूट जाता है और वो छिटक कर उनके मुंह पर जाकर लगता है और उस डंडे से उन्हें चोट लगती है। वो तिलमिला उठते हैं और उसे छोड़कर वहां से हट जाते हैं। अचानक चोट लगी थी तो तिलमिला उठते हैं, तो निशाना लगाना तो दूर, डंडे से उनको मुंह पर जो चोट लगी उससे वो हताश हो गए
और छोड़ करके जाकर अपने स्थान पर बैठ गए। चोट सहलाते हुए क्या करते और कर्ण अपनी जगह पर जा बैठा। इतने में उपस्थित ब्राह्मणों के बीच से एक तरुण उठ खड़ा हुआ। अब पांडवों के बीच से एक तरुण यानी एक युवा व्यक्ति खड़ा हुआ तो लोगों ने उसे देखा, देख करके उसे चाह के देखे कि कौन है। तो अर्जुन रहते हैं और वो चल पड़ते कि जब सब हार मान चुके तो एक बार उन्हें भी अजमाना चाहिए। एक तरुण उठ खड़ा हुआ। ब्राह्मणों की मंडली से ब्राह्मण वेशधारी अर्जुन को यूं खड़ा होते देखकर सभा में बड़ी हलचल मच गई। अब सभा में बैठे बड़े राजाओं ने जब देखा एक साधारण सा ब्राह्मण उठ करके धनुष पर प्रत्यंचा चढ़ाने की कोशिश कर रहा है तो हलचल मच गई। लोगों ने तरह तरह की चर्चा होने लगी। जब अर्जुन ने उस धनुष को हाथ में लिया तो लोगों को आश्चर्य भी हुआ और बहुत प्रत्यंचा को चढ़ा करके जब वो अपने हाथ में उस धनुष को, उस भारी धनुष को उठा लिए तो लोग सोच में पड़ गए कि ये तरुण आखिर है कौन। फिर उन्हें लगा कि कोई होगा उठा लिया, लेकिन निशाना था कि मछली की आंख को नीचे चलते हुए चक्र के भीतर रखे पात्र में जो परछाई पड़ रही है उस परछाई को देखकर उस मछली की आंख को भेदना है, तो इतना आसान लक्ष्य नहीं था। लोगों में तरह तरह की चर्चा होने लगी कि देखें क्या होता है। उसने धनुष पर तीर चढ़ाया और आश्चर्यचकित लोगों को मुस्कुराते हुए देखा। लोग उसे देख रहे थे, सारे के सारे लोग थे टकटकी बांधकर देख रहे थे कि ये ब्राह्मण कौन है जो प्रत्यंचा चढ़ाकर बिल्कुल तैयार खड़ा हो गया है। उसने और देरी न करके तुरंत एक के बाद एक पांच बाण उसे घूरते हुए चक्र के में मारे और हजारों लोग देखते देखते निशाना टूटकर नीचे गिर पड़ा और उन्होंने जब चारों ओर हलचल मची थी, जब बड़े बड़े राजा हार गए तो सबको ये लगा कि ये ब्राह्मण वेशधारी युवक क्या कर पाएगा। बड़े बड़े राजा कर्ण जैसे लोग भी निराश होकर लौट आए तो ये क्या करेगा, लेकिन वो फिर भी हिम्मत नहीं हारते और वो चलते हुए चक्र में लगातार एक साथ पांच बाण मारते हैं और निशाना जो रहता है वो टूट कर नीचे गिर पड़ता है। हजारों लोगों के देखते देखते आंखों के सामने वो निशाना नीचे उठा गिर पड़ा और तुरंत ही स्वयंवर में मंडप में बाजे गाजे बजने लगे, एक कोलाहल हो गया, चारों ओर बाजे गाजे बजने लगे। उस समय राजकुमारी द्रौपदी की शोभा कुछ अनूठी हो गई क्योंकि कन्या वरमाला लिए इंतजार कर रही थी उस युवक की कि कौन ऐसा वीर होगा जो वास्तव में इस लक्ष्य कठिन लक्ष्य को भेद करके उसे ब्याह कर ले जाएगा। तो वो बड़ी उत्साहित थे और अचानक लक्ष्य के नीचे गिरते ही उनकी चेहरे पर लाली दौड़ गई, उनकी सुंदरता देखने लायक थी। वह आगे बढ़ी और सकुचाते हुए लेकिन प्रसन्नता पूर्वक अर्जुन के गल को वरमाला पहना दी। जब उन्होंने देखा कि लक्ष्य टूट गया है, सारे लोग कोलाहल कर रहे, शोर मचा हुआ था, तो उन्होंने धीरे से वो उठती हैं वरमाला लेकर धीरे धीरे चलते हुए आकर के अर्जुन के गले में वरमाला डाल देती हैं। माता को यह समाचार सुनाने के लिए युधिष्ठिर, नकुल और सहदेव तीनों भाई मंडप से उठकर चल पड़े। अब माँ को तो यह आश्चर्यजनक जीत की जो खबर थी वो देनी ही थी, तो युधिष्ठिर, नकुल, सहदेव सब उठे और सीधे माँ के पास पहुँचने के लिए। भीम वहीं रुक जाते हैं कि कहीं ऐसा ना हो कि यहाँ कोई और स्थिति बने, तो अर्जुन की रक्षा के लिए वो वहीं पर रुक जाते हैं। बाकी तीनों भाई जो रहते हैं खबर देने पहुँच जाते हैं। तीनों भाई मंडप से उठकर चले गए परंतु भीम नहीं गए। उन्हें भय था कि निराश राजकुमार कहीं अर्जुन को कुछ कर ना बैठे। सीधी सी बात है, तमाम देशों के राजा आए हुए थे और सब निराश हुए थे,
तो सबको ये लग रहा था कि कहीं कोई बहुत बड़ी बात ना हो जाए, तो अर्जुन की रक्षा के लिए किसी न किसी एक को यहाँ होना चाहिए, तो भीम वहाँ रुक गए। राजकुमारों में बड़ी हलचल मच गई, कि एक साधारण सा ब्राह्मण वेशधारी एक राजकुमार द्रौपदी को जीत गया, ले गया। शोर मचाया, बहुत शोर मचा, राजकुमारों का जोश बढ़ता गया। ऐसा प्रतीत हुआ कि भारी विप्लव आ जाएगा। तो जब चारों ओर लोगों ने देखा कि भीम जो है वो उनकी सुरक्षा के लिए रुके हैं और हाहाकार मच गया है, तो ऐसा लग रहा था भारी विप्लव है। विप्लव मतलब बदलाव होता है, जैसे युद्ध का कोई स्थिति बन जाती है। विप्लव, विप्लव शब्द का मतलब वास्तव में क्रांति है, क्रांति या बदलाव जैसे कह सकते हैं, साधारण शब्दों में इसको बदलाव मान सकते हैं। लग रहा था कि कोई बदला लेने के लिए कहीं ऐसा ना कोई आक्रमण कर दे, क्योंकि चारों ओर हाहाकार मचा था। लोगों को ये विश्वास तो था नहीं कि वास्तव में कोई भी ऐसे कर सकता है, तो उनको थोड़ा आश्चर्य हुआ। भीमसेन का अनुमान ठीक ही निकला, राजकुमारों में बड़ी हलचल मच गई, बहुत शोर मचा, राजकुमारों का जोश बढ़ता गया। ऐसा प्रतीत हो रहा था कि भारी विप्लव मच जाएगा। यह हाल देखकर श्री कृष्ण, बलराम और कुछ राजा विप्लव मचाने वाले राजकुमारों को समझाने लगे। वे समझाते रहे और इस बीच भीम और अर्जुन द्रौपदी के साथ लेकर कुम्हार की कुटिया की ओर चल दिए। यानी कि राजकुमारों में जो हाहाकार मचा हुआ था कि एक साधारण सा ब्राह्मण वेशधारी युवक द्रौपदी को जीत कर लेके चला गया और हम लोग कुछ ना कर सके, तो जब ये देखे कि अब क्रांति मचने वाली है, यहाँ पर स्थिति नाजुक है, तो श्री कृष्ण, बलराम और कुछ राजा और उठे और सबको समझाने लगे कि इस स्वयंवर का नियम जो था, उस नियम के तहत जिसने जीत लिया द्रौपदी उसी को वर मान सकती है, तो अब कुछ नहीं किया जा सकता। उस युवक ने द्रौपदी को जीत लिया है, लक्ष्य को निशाना बनाकर उसने एक पल में ही नीचे गिरा दिया, तो अब कुछ नहीं किया जा सकता। और इसी बीच जब शोर शराबे के बीच से अर्जुन को समय मिला, वो द्रौपदी और भीम के साथ धीरे से वहां से उठते और ब्राह्मण की कुटिया की ओर चल पड़ते हैं। जब भीम और अर्जुन द्रौपदी को साथ लेकर सभा में जाने लगे, तो द्रुपद का पुत्र धृष्टद्युम्न, अब भाई को तो ये लगना थोड़ा सा स्वाभाविक ही था कि आखिर ऐसा कौन सा व्यक्ति है जो इतना बलशाली है, मुंह पर राजकुमारों सा तेज है, लेकिन ब्राह्मण वेश में है, ये है कौन असली में? तो भाई ने सोचा कि अर्जुन तो द्रौपदी को लेकर आगे आगे चल रहे हैं और वो धृष्टद्युम्न पीछे छिप करके उनका पीछा करने लगे। पीछा करते करते वो सीधे ब्राह्मण की कुटिया तक चले गए और वहां जाकर उन्होंने देखना चाहा कि देखें ये कौन है। जब वहां पहुंचते हैं तब उन्हें असली बात पता चलती है। भीम और अर्जुन द्रौपदी को साथ लेकर सभा से जाने लगे, तो द्रुपद का पुत्र धृष्टद्युम्न चुपके से उनके पीछे हो लिया। कुम्हार की कुटिया में उसने जो देखा उससे उसको उसके आश्चर्य की सीमा न रही। अब कुमार की कुटिया में आया तो देखा कि कुंती भी वहीं पर है, तो उनके आश्चर्य की सीमा न रही और वो जान गए कि ये पांडव हैं और वेश बदल कर यहाँ कुमार की कुटिया में रह रहे हैं। तो आश्चर्य की सीमा न रही, वो तुरंत लौट आए और अपने पिता से बोले, पिताजी मुझे तो ऐसा लगता है कि ये लोग कहीं पांडव न हो। बहन द्रौपदी उस युवक की मृगछाला पकड़े जब जाने लगी तो मैं भी उनके पीछे हो लिया। वे एक कुम्हार की झोपड़ी में जा पहुंचे तो उन्होंने बताया कि मैं कैसे कैसे उनका पीछा किया और पीछा करते करते मैं कैसे उनके पास तक पहुंचा। जब मैं पहुंचा तो वो ब्राह्मण एक कुम्हार की कुटिया में गया। जब मैं वहां तक चला गया तो मैंने देखा कि वहां अग्निशिखा की भांति एक तेजस्वी देवी बैठी है। तो उन्होंने कहा कि एक वहां पर पहले से एक महिला बैठी थी, बहुत तेजस्वी देवी की तरह प्रतीत हो रही थी। वहां जो बातें हुई उनसे मुझे विश्वास हो गया
कि कुंती देवी ही होनी चाहिए। उन्होंने कहा कि मैंने जो वहां देखा जो सुना उसे देखकर मुझे लग रहा है कि हो न हो वो कुंती है और ये पांचों भाई जो हैं पांडव हैं। तो दृष्टद्युम्न ने को ये विश्वास हो जाता है कि निश्चित ही द्रौपदी का ब्याह अर्जुन से, या अर्जुन से ना भी सही समझे हो, पांडवों में से किसी भाई से हुआ है। तो वो थोड़ा सा निश्चिंत हो जाते हैं कि द्रौपदी पांडवों के यहाँ ब्याही गई है। युधिष्ठिर ने राजा को अपना सही परिचय दे दिया। तब राजकुमार द्रुपद के बुलावा भेजने पर पांचों भाई माता कुंती और द्रौपदी के साथ राजभवन पहुंचे। फिर पांचों राजा द्रुपद ने वहां संदेशा भेजा राजभवन से और सबको आमंत्रित कर राजभवन बुलाए, सादर सम्मान पूर्वक उन्हें सम्मान दिया और सम्मान देने के बाद वे वहां पहुंचे। वहां पहुंचकर युधिष्ठिर ने राजा द्रुपद को अपना सब कुछ सही सही परिचय बता दिया। ये जानकर कि ये पांडव हैं, राजा द्रुपद फूले न समाए। जब राजा ने जाना कि चलो उनकी पुत्री का विवाह पांडवों से हुआ है तो वो बड़े प्रसन्न होते हैं, फूले नहीं समाते। उनकी इच्छा पूरी हुई, महाबली अर्जुन मेरी बेटी के पति हो गए। उन्हें लगा कि बहुत खुशखबरी है कि महाबली अर्जुन से द्रौपदी का विवाह हुआ है, अर्जुन मेरी बेटी के पति हो गए, तो फिर द्रोणाचार्य की शत्रुता की मुझे चिंता नहीं। लेकिन उन्हें अपने बचपन के समय के द्रोणाचार्य की जो शत्रुता थी उसका ध्यान अभी भी था। उन्होंने कहा कि जब अर्जुन मेरे जमाता हो गए, दामाद हो गए, तो मुझे अब द्रोणाचार्य से कोई डर नहीं है। यह विचार कर उन्होंने संतोष की सांस ली। माँ की आज्ञा और सबकी सम्मति से द्रौपदी के साथ पांचों पांडव का विवाह हो गया। फिर माँ ने आज्ञा दे दी, और क्योंकि भाई ऐसा इस कहानी में नहीं लिखा, क्योंकि ये बाल महाभारत है, लोगों ने ऐसा जहाँ तक मुझे जानकारी है बताया कि जब वो ले आते हैं तो जो कुछ भी लाते थे माँ कहती थी कि पांचों भाई मिलके इसको बांट लो। तो वो जब द्रौपदी को लेकर के आते हैं तो भी उन्होंने कहा माँ देखो क्या लाए हैं, तो उन्होंने कहा जो कुछ भी लाए हो पांचों भाई मिलके बांट लो, इसलिए पांचों भाइयों का विवाह हो गया। तो माँ की आज्ञा से ये बात हुई, तो माँ ने पांचों का विवाह एक ही द्रौपदी से करा दिया। तो ये पाठ पूरा हो गया। मैं पाठ 13 यहाँ लिख देती हूँ। पाठ असल में बहुत छोटे छोटे हैं इसके, और बहुत थोड़े थोड़े देर में ही ये पूरे हो जाते हैं, इसीलिए एक दिन के वीडियो में अक्सर ऐसा होता है कि दो दो पाठ एक साथ आ जाते हैं। और आप इसको खुद से भी पढ़ेंगे तो आपको अच्छा लगेगा, और साथ ही साथ कई पाठों को आप एक साथ पढ़ सकते हैं, इतने छोटे छोटे हैं। बाल महाभारत है तो उसमें कहानियों को बिल्कुल छोटा करके दिया गया है। तो 13वां है इंद्रप्रस्थ। द्रौपदी के स्वयंवर में जो कुछ हुआ था उसकी खबर जब हस्तिनापुर पहुंची तो विदुर बड़े खुश हुए। अब द्रौपदी स्वयंवर के बाद जो हुआ कि अर्जुन का विवाह हो जाता है, ये खबर हस्तिनापुर तक पहुंच जाती है। राजा द्रुपद की कन्या का स्वयंवर अर्जुन से हो गया। पांचों भाइयों ने विधि पूर्वक द्रौपदी के साथ विवाह कर लिया, और कुंती के साथ वे द्रुपद के यहाँ कुशल से हैं। तो सब लोगों ने बड़े बड़े खुश होते हैं और जानते हैं कि चलो, बड़े प्रसन्नता पूर्वक उनको लगा कि चलो बड़ा अच्छा हुआ, ये बहुत बड़ी खुशखबरी है। ये सुनकर धृतराष्ट्र बड़ा हर्ष प्रकट करते हैं। भाई विदुर, तुम्हारी बातों से मुझे असीम आनंद हो रहा है, राजा द्रुपद की बेटी हमारी बहू बन गई, यह तो बड़ा अच्छा हुआ। वो बड़े खुश होते हैं कि ये तो हमारे लिए, राजा द्रुपद हमारे समधी बन गए, उनकी पुत्री के साथ हमारे बेटे का विवाह हो गया अर्जुन का, तो ये बहुत बड़ी खुशखबरी है। उधर दुर्योधन को जब मालूम हुआ कि पांडवों ने लाख के घर
की भीषण आग से किसी तरह बचकर एक बरस तक कहीं छिपे रहने के पर अब पराक्रमी पांचाल राज की कन्या से विवाह कर लिया, तब तो वो जल भुन गया। उसे लगा कि ये तो और अधिक शक्तिशाली हो गए, अब तो पांचाल नरेश भी इनके साथ रहेंगे तो बहुत अधिक शक्तिशाली बन गए। तो उनके मन में ईर्ष्या की आग और अधिक प्रबल हो उठी, दबा हुआ बैर फिर से उभर गया। अब उनके अंदर जो मन में क्लेश था, दुख था, वो बैर बन करके, दुश्मनी बन करके फिर से उभर आता है, देख लेते हैं। तो दुर्योधन और दुशासन ने शकुनी को अपना दुखड़ा सुनाया, मामा आप क्या करें, आप तो वो परेशान होते हैं। एक मामा शकुनी ही थे जो उनकी सब बात सुनते थे, तो सब बात सुनने से उन्होंने उनको सुनाया कि अब क्या करना चाहिए हम लोगों को, हम लोगों को अब क्या करना चाहिए, क्या करें, अब तो कोई फायदा भी नहीं है। अब तो द्रुपद कुमार, दृष्टद्युम्न और शिखंडी भी उनके साथी बन गए। तो उन्होंने कहा कि लो अब तो जो कम ताकत थी वो ताकत उनकी और बढ़ गई। दृष्टद्युम्न और पांचाल नरेश और शिखंडी भी अब जो थे उनके सहयोगी बन गए, तो अब तो कुछ नहीं किया जा सकता है, अब क्या करें। बड़ी सोच में पड़ के उन्होंने मामा शकुनी से विचार विमर्श किया। उसके बाद कर्ण और दुर्योधन धृतराष्ट्र के पास गए और एकांत में उनसे दुर्योधन ने कहा, पिताजी जल्दी ही हम कुछ ऐसा उपाय करें जिससे हम सदा के लिए निश्चिंत हो जाए। अब दुर्योधन को जब ये लगा कि अब तो वो आधा राज लेने के लिए यहाँ हक से आकर कहेंगे, तो उन्होंने सोचा क्यों ना पिता को पहले ही समझा दिया जाए। तो वो चले जाते सीधे धृतराष्ट्र के पास और धृतराष्ट्र के पास जा करके उनको समझाने की कोशिश करते हैं कि हमें कुछ ऐसा करना चाहिए जिससे हमेशा से हम पांडवों से छुटकारा पा जाए और हमेशा से रास्ते का कांटा जो है वो साफ हो जाए। तो जब उन्होंने कहा तो धृतराष्ट्र ने पूछा उनसे कि क्या कर सकते हैं हम लोग, बताओ बेटा तुम बिल्कुल ठीक कहते हो, तो तुम ही बताओ कि क्या करना चाहिए हम लोगों को। दुर्योधन ने कहा तो फिर हमें कोई ऐसा उपाय करना चाहिए जिससे पांडव यहाँ आए ही नहीं। तो उन्होंने कहा कि कुछ तब हमें ऐसा करना चाहिए कि पांडव हस्तिनापुर पहुंचे ही ना, क्योंकि वे यदि वे इधर आए तो जरूर राज्य पर अपना अधिकार जमाना चाहेंगे। उन्होंने कहा कि अगर आ जाएंगे तो उनको आधा राज्य चाहिए। इस पर कर्ण को हंसी आ गई, उसने कहा दुर्योधन अब एक साल बाहर रहने और दुनिया देख लेने से उन्हें काफी अनुभव प्राप्त हो चुका है, एक शक्ति संपन्न राजा के यहाँ उन्होंने शरण ली, इस पर उनके प्रति तुम्हारा वैर भाव उनसे छिपा नहीं है, इसी छल प्रपंच से अब काम नहीं चलेगा, आपस में फूट डालकर भी हमको हराना संभव नहीं। राजा द्रुपद धन के प्रलोभन में पड़ने वाले व्यक्ति भी नहीं है, लालच देकर उनको अपने पक्ष में करने का विचार भी बेकार है। तो उन्होंने कहा कि देखो जो तुम सोच रहे हो उस ऐसा कुछ नहीं होगा, न तो तुम राजा द्रुपद को मिला सकते हो धन संपत्ति दे करके, और न तुम एक साल तक वो बाहर बाहर रहकर इतने बुद्धिमान हो चुके हैं, इतने तीव्र बुद्धि के हो चुके हैं कि हर आने वाले संकट को पहले से समझ लेते हैं, तो तुम जो सोच रहे हो उसमें तुम सफल नहीं होगे। तुम सोच रहे हो कि फूट डाल करके मैं राज्य उनसे छीन लूंगा, तो ये संभव नहीं है। ऐसे विचार की ओर ध्यान देना भी ठीक नहीं, कि तुम ये सब सोचना छोड़ो, ये सब बेकार है। हमारे पास केवल एक ही उपाय है, वह यह है कि पांडवों की ताकत बढ़ने से पहले उस पर हमला कर दिया जाए। कर्ण ने कहा कि पांडव अपनी ताकत बढ़ाएं, यहाँ आके स्थिर हों, और यहाँ आने के बाद वो फिर अपने राजपाट को मांगे और हम लाचार हों, उससे पहले उनकी ताकत को ही हमें कम कर देना चाहिए। और हमें क्या करना चाहिए कि हमें उनकी ताकत को घटा करके उन पर आक्रमण कर देना चाहिए। कर्ण तथा अपने बेटों के परस्पर विरोधी बातें सुनकर धृतराष्ट्र इस बारे में कोई निर्णय नहीं ले सके। अब कर्ण की और दुर्योधन की बातें थोड़ी विपरीत थी, धृतराष्ट्र को निर्णय लेने में कठिनाई हो रही थी कि वास्तव में उन्हें करना क्या चाहिए। वो थोड़ी देर चुप रहे, फिर उन्होंने पितामह भीष्म और आचार्य द्रोण को बुलाकर सलाह मशविरा करने लगे। पांडु पुत्र के जीवित रहने की खबर पाकर पितामह भीष्म के मन में आनंद की लहर उठ गई। पितामह भीष्म ने जब सुना कि पांडु पुत्र अभी जीवित हैं, तो मारे खुशी के उनका ठिकाना नहीं था, वो बहुत खुश हुए, बहुत प्रसन्न हुए, उन्हें बड़ा अच्छा लगा कि ये तो बड़ी अच्छी खबर है।
भीष्म ने कहा, बेटा वीर पांडवों के साथ संधि करके आधा राज्य उन्हें दे देना ही उचित है। तो उन्होंने एकदम उचित और सरल रास्ता बताया कि बैर भाव करने से कोई फायदा नहीं है, लड़ाई झगड़े से कुछ मिलने वाला नहीं है, इससे बहुत बेहतर है कि तुम संधि कर लो, मित्रता कर लो उनसे, और करके आधा राज्य उन्हें दे दो और आधे में शांतिपूर्वक जीवन व्यतीत करो। परंतु दुर्योधन को ऐसी चीजें कहाँ पसंद आती थी, वो तो चाहता ही नहीं था कि पांडव उनके आसपास दूर दूर तक भी पास में रहें, तो वो कहाँ उसे अच्छा लगता। तो इसी पर विचार विमर्श अब होता रहेगा। तो मैंने आपको यहाँ तक पढ़ा दिया है, कल मैं यहीं से फिर शुरू करूँगी, तो आप मेरे साथ बने रहिएगा, क्योंकि ये पाठ के साथ मैं अगला पाठ भी पढ़ाऊंगी। तो मुझे उम्मीद है इतनी कहानी आपको समझ में आ गई होगी कि कैसे राजा द्रुपद के यहाँ जा करके उन्होंने द्रौपदी को जीता, कैसे विवाह हुआ। और आप इस कहानी को पुनः पढ़ें तो आपको ज़्यादा अच्छे से समझ में आएगा। तो इसी के साथ इस वीडियो को मैं समाप्त करती हूँ और मिलती हूँ आपसे अगले वीडियो में।